जब बना रहे प्लाजो तो ये हमारे पास 1.5 गज कपड़ा है और ये चिकन फैब्रिक है, तो मैं इसको इस तरह से डबल करूँगी 1.5 गज को, बिल्कुल बराबर मिलाते हुए हम इसको डबल कर लेंगे। हमने इसको एक दफ़ा इस तरह फोल्ड किया है, अब एक दफ़ा और इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। तो यहाँ देखिए नीचे इसमें बॉर्डर है, तो जहाँ तक बॉर्डर आ रहा है हमारा वहाँ तक हम इसको मोड़ देंगे इस तरह से। ये जो सादा कपड़ा आ रहा है इसके ऊपर इस तरह मोड़ देंगे इसको, तो मोड़ने का मार्जिन हमारे पास बस इसमें इतना ही है। नीचे से हमें लेंथ रखनी है इसकी तैयार 38, तो यहाँ से हम 38 रखेंगे। और ये देखें जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक है, हमारी इलास्टिक आ रही है यहाँ पे ये 1 इंच की, तो हम मोड़ने का मार्जिन यहाँ पे रखेंगे सिर्फ 2 इंच का। तो 2 इंच यहाँ पे इस तरह निशान लगाएंगे, ये मोड़ने का निशान है हमारे पास। अब यहाँ से एक दफ़ा और सीधा निशान लगा लें, तो यहाँ से ये हमने दोबारा सीधा निशान लगाया और अब इसको निशान लगा के यहाँ पे लाइन डाल देंगे। अब यहाँ से ये हमें हटाना है मोड़ने का 2 इंच, यहाँ से मोड़ने वाला हटा के फिर हम आसन की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ से हमें आसन की लंबाई लेनी है, यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे हम 13.5 इंच। अब हमें देखना है यहाँ से चौड़ा कितना आना है हमारा, तो यहाँ से हमें तकरीबन रखना है ये 12 इंच, तो 12 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे। हम स्मॉल साइज़ बना रहे हैं तो स्मॉल साइज़ में हमारा होता ही है 10 इंच, तो 10 इंच के अलावा हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ से हम सीधी लाइन डाल लेंगे। अब यहाँ से हमें आसन वाला शेप बनाना है, इस तरह हमने आसन वाला शेप बनाया है। और अब यहाँ से हमें पाँचा जितना हमारा ये आ रहा है 12 इंच, तो प्लाजो में हमें इतना ही है, नीचे से पाँचा भी रखना होता है। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो यहाँ मैं 12 इंच का ही रखूँगी। और ये 1 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से मिलाएंगे, इसमें ज़्यादा कटिंग नहीं है। अब यहाँ से हम इसको मिलाते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ से हम इसको इस तरह काटेंगे सीधा। नीचे लाते हुए कपड़े को बराबर मिलाते हुए बस हम यहाँ से इसकी कटिंग करके ही निकाल देंगे। यहाँ से जुड़ा हुआ है तो इसको भी काट के अलग कर लेते हैं, तो ये हमारा कट के कुछ इस तरह से आ जाएगा। हम यहाँ पे सबसे पहले आसन की सिलाइयाँ लगाएंगे। तो यहाँ देखिए आसन की सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह करेंगे, और पहले हम यहाँ नीचे से बंद कर लेंगे इसको, यहाँ से सिलाई लगा लेंगे हम इसको, फिर बाद में मुड़ेंगे। तो यहाँ इस तरह बंद कर लेने के बाद दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा ली हैं और हम इसको इस तरह मोड़ देंगे। इस तरह हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसको मोड़ देंगे। अब बिल्कुल इसी तरह मैं दूसरा पाँचा भी मोड़ लेती हूँ। नीचे से हमने इस तरह मोड़ लिया इसको, और अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। ये स्मॉल साइज़ है तो इसके अंदर इलास्टिक मैं 10 इंच की लगाऊंगी तैयार, तो जिसके लिए मैं 11 इंच लूंगी। तो इस तरह हम यहाँ से इसको इस तरह डबल करेंगे और यहाँ से कट करके इसका यहाँ पे इस तरह से रिंग बना लेंगे, सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह रखेंगे इलास्टिक को, और इसको इतना सिलाई का मार्जिन दे के इसके ऊपर इस तरह मोड़ देंगे, और सिलाई हमें इलास्टिक के ऊपर नहीं चलानी है, इलास्टिक से नीचे उतार के चलानी है। हमें इलास्टिक की इस तरह सिलाई लगा ली है, अब हम इसको इस तरह पकड़ के जब थोड़ा सा खींचेंगे तो ये इलास्टिक हमारी पूरी हर तरफ इक्वल हो जाएगी। अब मैं खींचते हुए यहाँ पे सेंटर में एक सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखें इसकी इलास्टिक भी कितनी फिनिशिंग के साथ इक्वल तरीके से आई है, और इसका शेप भी कितना अच्छा है। तो ये देखें हम 10 मिनट के अंदर इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों के लिए